गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। माय सेल्फ डॉक्टर एके गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है और एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के फर्स्ट ईयर बीएससी के जूलॉजी के थर्ड पेपर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैं आपसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत ही प्रमुख विषय टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग अर्थात अंडों के विभिन्न प्रकार जो कि योग की मात्रा एवं योग के वितरण के आधार पर तथा ओवीपेरस क्या होता है, ओवीपेरस क्या होता है और वीपेरस क्या होता है, ये बातें आपसे डिस्कस करूँगा। तो अब मैं प्रारंभ करता हूँ आपसे आज के विषय के बारे में। देखिए, ओवीपेरस को हिंदी में अंडज कहते हैं, ओवीपेरस को अंड जरायुज कहते हैं और वीविपेरस को जरायुज कहते हैं। ओवीपेरस अर्थात वो जंतु जो कि अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडज या अंड प्रजक ओवीपेरस कहते हैं। कौन से होते हैं वे जंतु जो कि अंडे देते हैं? इकाइनोडर्म्स होते हैं, इकाइनोडर्मेटा के जंतु होते हैं, फिशेज हैं, मेंढक हैं, एम्फीबियंस स्पीसीज ये इसमें सम्मिलित हैं। ये अंडे निषेचन के पूर्व दिए जाते हैं। इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मोनोट्रीम्स में अंडे आंतरिक निषेचन के पश्चात दिए जाते हैं अर्थात इनमें आंतरिक निषेचन होता है। शार्क्स हैं, वाइपर हैं, वाइपर स्नैक्स जिनको कहते हैं, ऐसे ही कुछ जंतु में निषेचन होने के पश्चात अंडे देते हैं और अंडे बड़े होते हैं, कवच युक्त होते हैं और योग की भारी मात्रा से संपन्न या भारी मात्रा सहित होते हैं और इनका इंक्यूबेशन और स्फुटन हेचिंग माता के शरीर के अंदर ही होता है और इसके फलस्वरूप यंग्स का या किशोरों का जन्म होता है, परंतु माता द्वारा उनका पोषण नहीं किया जाता और इन्हें अंड जरायुज या ओवीपेरस जंतु कहा जाता है। ओवीपेरस अंड जरायुज या ओवीपेरस जंतु कहा जाता है अर्थात ऐसे जंतु जिनके अंडों का स्फुटन माता के शरीर के अंदर ही होता है और वहीं पोषण होता है। उच्च श्रेणी के मैमल्स मेटाथीरिया और यूथीरिया तथा कुछ अन्य जंतु उदाहरणार्थ पेरिपेटस में जीवित किशोरों का जन्म देते हैं ये और इन्हें वीविपेरस या सजीव प्रजक वीविपेरस जंतु कहते हैं। इनके अंडे लघु और लगभग पीतकहीन होते हैं जो कि माता के शरीर में ही विकसित होते हैं और इनका पोषण माता की रुधिर धारा से या ब्लड स्ट्रीम से प्लेसेंटा यापरा के द्वारा एक विशेष भ्रूणी अंग द्वारा उस समय तक होता रहता है जब तक कि पूर्ण परिवर्धित किशोरों का जन्म नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से मैंने आपको ओवीपेरस जंतु क्या होते हैं, ओवीपेरस क्या होते हैं और वीविपेरस क्या होते हैं ये क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं एक या दो नंबर वाले, उनमें ये बातें पूछी जाती हैं। तो समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्स की, अंडों के प्रकार और अंडों का प्रकार किस आधार पर, और टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग
अंडे में योग की मात्रा के आधार पर। योग क्या होता है? योग वह पदार्थ है जो कि भ्रूण के निर्माण में योगदान नहीं करता, परंतु योग भ्रूण के निर्माण के लिए पोषण प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। भ्रूण के निर्माण में पार्टिसिपेट न करके भ्रूण के निर्माण में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के लिए पोषण या न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। तो पीता क्या योग की मात्रा और वितरण या लीथेलिटी के आधार पर अंडे सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समपीतकी, इंग्लिश में इसको आइसोलिसिथल कहते हैं। दूसरा होता है गोलार्धपीतकी और तीसरा होता है केंद्रपीतकी या सेंट्रोलिसिथल। आइसोलिसिथल, टीलोलिसिथल, गोलार्धपीतकी अर्थात टीलोलिसिथल और सेंट्रोलिसिथल अर्थात केंद्रपीतकी। इस डायग्राम में हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, ये एग का न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है बाहर की ओर, और सेंट्रोलिसिथल एग्स आमतौर पर इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें योग जो है केंद्र में होता है। सेंट्रो का मतलब केंद्र में होना, सेंट्रल में होना, और साइटोप्लाज्म बाहर की ओर होता है और इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। दूसरे प्रकार का अंडा होता है मीजोलिसिथल या मध्यपीत की हिंदी में कहते हैं, जिसमें औसत दर्जे का योग पाया जाता है या मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है। और जीनोफर्स इसका एग्जाम्पल होता है, इसमें बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है, बीच में अंदर न्यूक्लियस है, और एक अलग सिरे के ऊपर जो योग है थोड़ा बहुत मॉडरेट अमाउंट का, मध्यम दर्जे का, औसत दर्जे का योग पाया जाता है। तीसरे तरह का अंडा होता है, उसको कहते हैं एलिसिथल एग्स या अपीत के अंडा। इसमें आप देखिए, ये ब्लैक कलर से साइटोप्लाज्म है, यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, और ये योग प्लेटलेट्स, ये योग ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि इधर उधर साइटोप्लाज्म में कहीं भी तेल की बूंदों की तरह से यदा कदा फैली रहती हैं, और इस प्रकार के अंडे को कहते हैं एलिसिथल एग्स। इसी तरह से टीलोलिसिथल एग होता है, टीलोलिसिथल का मतलब होता है कि योग जो है टर्मिनल एंड के ऊपर, आखिरी सिरे के ऊपर स्थित होता है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है बाहर की तरफ, और योग जो है एक आखिरी सिरे पर होता है, अर्थात पूर्ण संपूर्ण अंडे के अंदर न फैल करके केवल एक किनारे पर योग पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है जेब्राफिश, जेब्राफिश के अंदर ये देखने को मिलता है। इसी तरीके से ये अंडा है आइसोलिसिथल एग्स कहलाता है। ये आइसोलिसिथल का मतलब होता है कि योग आइसोलेटली अर्थात यूनिफॉर्मली सब तरफ समान मात्रा में पूरे अंडे में, संपूर्ण अंडे के संपूर्ण भाग में योग सम प्रकार से वितरित होता है, और इसको कहते हैं आइसोलिसिथल एग्स। सेंटर में साइटोप्लाज्म होता है और फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है, और योग जो है उसके चारों तरफ बराबर मात्रा में वितरित होता है। और इस प्रकार का अंडा सी अर्चिन के अंदर पाया जाता है, सी अर्चिन के अंदर। तो आपने देखा कि आइसोलिसिथल एग क्या होता है, टीलोलिसिथल एग क्या होता है, सेंट्रोलिसिथल, मेजोलिसिथल और एलिसिथल। इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के अंडे होते हैं जो कि योग की मात्रा और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर क्लासिफाई किए गए हैं। अब हम इनको थोड़ा समझाते हैं कि होमोलिसिथल क्या होता है या समपीतकी अर्थात आइसोलिसिथल क्या होता है। ये अंडे लघु होते हैं, छोटे होते हैं, जिनमें योग की अल्प मात्रा अत्यंत सूक्ष्म कणों में पूरे कोशिका द्रव्य में समान रूप से वितरित होती है। मानव सहित सभी अपरा स्तनियों या प्लेसेंटल मेमल्स तथा बहुत सारे अकशेरुकियों
जैसे समुद्री अर्चिन के अंडाणु अपीत की एलिसिथल होते हैं, जिनमें योग की मात्रा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। इसी तरह से हर्डमानिया होता है, हर्डमानिया और ब्रेंकियोस्टोमा के अंडाणु सूक्ष्म पीत की होते हैं, माइक्रोलिसिथल होते हैं, जिनमें योग अल्प मात्रा में पाया जाता है। गोलार्ध पीत की या टीलोलिसिथल जो एक्स होते हैं, इनमें गोलार्ध पीत की अंडों में अल्पक्रिय ध्रुव पर पीतक की सांद्रता या मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि सक्रिय ध्रुव पर लगभग बिल्कुल नहीं होती। साइक्लोस्टोन्स, फिशेस और एम्फीबियंस में सामान्यतः मध्यपीत की या मीजोलिसिथल एग्स होते हैं और उनका आकार अच्छा बड़ा होता है और योग की मात्रा साधारण होती है, अर्थात मोटरेट होती है, औसत दर्जे की होती है। इसके विपरीत बोनी फिशेज में, अस्थिल मछलियों में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और अंडज स्तनियों में, जिनमें मोनोट्रिम्स भी आते हैं जो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, जैसे डकबिल प्लेटिपस है, एकिडना है, ये मोनोट्रिम्स होते हैं, इनके अंडे बहुपूत पीत की या मैक्रोलिसिथल या अल्पपीत की या पोलिलिसिथल होते हैं और ये आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा इनमें योग का विशाल भंडार होता है। केवल ऊपरी या सक्रिय ध्रुव पर एक छोटी जनन बिंब या जर्मिनल डिस्क के रूप में कोशिका द्रव्य शेष रहता है। इसी तरह से एक एग्जांपल है केंद्रपीत की या सेंट्रोलिसिथल टाइप ऑफ एक्स का। सेंट्रोलिसिथल जैसा कि मैंने डायग्राम में भी दिखाया था, इनके अंदर योग जो है केंद्र में स्थित होता है। इसके एग्जांपल्स हैं इंसेक्ट्स, कीटों तथा अन्य आर्थ्रोपोड्स के अंडे केंद्रपीत की होते हैं। आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है और योग की साधारण मात्रा बीच में संकेंद्रित रहती है और कोशिका द्रव्य के एक परिधि स्तर से घिरी रहती है। किसी भी कॉर्डेड जंतु में केंद्रपीत की अंडे नहीं होते, अक्सर कॉर्डेड जंतु में केंद्रपीत के अंडे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स हमने आपसे डिस्कस किया, जिसमें सेंट्रोलिसिथल एग्स, मीजोलिसिथल एग्स, टीलोलिसिथल एग्स, होमोलिसिथल और आइसोलिसिथल टाइप ऑफ एग्स। तो और इसके अलावा ये डायग्राम हमने आपको समझाया, सेंट्रोलिसिथल है, मीजोलिसिथल है, एलिसिथल है, टीलोलिसिथल है और आइसोलिसिथल है। और इसके अलावा हमने वीवीपेरस, ओवोवीवीपेरस और ओवीपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे डिस्कस किया। तो ये आप अच्छे से समझिए, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स या योग की मात्रा के आधार पर अंडे विभिन्न प्रकार के होते हैं और इससे प्रभावित होता है क्लीवेज। क्लीवेज के लिए योग की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण कारक होती है, जो कि मैं अपने अगले व्याख्यान में आपसे शेयर करूंगा, क्लीवेज और पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। नेक्स्ट लेक्चर में क्लीवेज के ऊपर डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।